कुमार। आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनयुद्ध प्रोग्राम में, और आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार उन्मूलन महासंघ के डीके चोपड़ा पर पिछले दिनों हुए हमले को लेकर। किसने हमला किया, क्यों हमला किया, इस पर हम पूरी तहकीकात करने की कोशिश करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी सामने लाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खुद चोपड़ा साहब हैं, इसके अलावा हमारे साथ अनुज कौशिक जी हैं, राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान से, और हमारे साथ जनता ब्रिगेड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सिंह जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि चोपड़ा जी ने पिछले दिनों कई जगह गए, जैसे कि लीगल सेल पटियाला हाउस में गए थे, और एक हेल्थ सेंटर कहीं लगा हुआ था वहां गए, हेल्थ मेला वहां के स्टाफ औंधते हुए दिखे, कुर्सी पर सो रहे थे, उनका ये वीडियो बना रहे थे, जहां पर वीडियो बनाने में इनकी कुछ कहासुनी हुई। स्वाभाविक है, अगर किसी सोए हुए स्टाफ को आप वीडियो बना लेंगे तो उसको नौकरी जाने का खतरा होता है या कंप्लेंट का खतरा होता है, तो कहासुनी होना लाजमी है। क्या पूरा मामला हुआ था, सबसे पहले चोपड़ा जी आप ही बताएं, उसके बाद फिर उसको डिफाइन करें। देखिए सर, हम तो आए दिन देश में जो भी भ्रष्टाचार होता है उसको उजागर करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको पता ही है, पिछले दिनों हमने इंडिया गेट में एक उत्तराखंड की गाड़ी को ट्रैफिक वालों ने घेर के आधा घंटा फैमिली को तंग किया, उसके और से 1000 रुपये लेके छोड़ दिए। हमने उससे पूछा भाई क्या हुआ, उसने कहा जी 1000 रुपये दिए, रसीद कोई नहीं थी। हाँ, उसी टाइम उन्होंने वीडियो से या कैसे भी देख लिया, 7 पुलिस वाले मेरे ऊपर वहीं से कूद पड़े। अच्छा, कि भाई तो उसके बाद मैंने वो कंप्लेंट लगा दी, फिर इंस्पेक्टर भी इनका आया ट्रैफिक वालों का। अब इंडिया गेट में कोई भी ट्रैफिक वाला आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, जहाँ पे वो लोग आते हैं मतलब टूरिस्ट आते हैं, वहाँ आपको ये नहीं मिलेगा। ये हमने करवा दिया है ऑलरेडी, ये अभी रिसेंट पास में हमने कराया। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम ये है कि सरकारी अफसर पटियाला हाउस, एक पटियाला हाउस में मैं लीगल सेल में गया था, लीगल सेल में हेल्प लेने गया था अपनी बेटी के लिए, कि मेरी बेटी को लोग तंग कर रहे हैं, तो वो महिलाओं को फ्री लीगल रेट देते हैं। तो मैं वहाँ गया, वहाँ भी थोड़ी कहा सुनी हुई, और वो तो करना ही नहीं चाहते, उनको तो मना ही है सारा। बाद में जब नीचे उतरा मैंने देखा, उन्हीं का एक ऑफिसर जो पब्लिक के लिए सोफे रखे हुए हैं उससे थोड़ा। अच्छा, मैंने पब्लिक के सोफे पे, फिर उसके बाद मैंने वहाँ के कॉन्स्टेबल को बुलाया, मैंने कहा ये कौन आदमी सो रहा है, इसको हटाओ। नहीं नहीं, ये तो ये कुछ भी कारण से बताया, और बताया इसका नाम यूसुफ है। मैंने कहा तेरा नाम क्या था, राजू। तो उन दोनों की मैंने फिर कंप्लेंट लगा दी, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसी मेरे को कोई सूचना नहीं है। उसके अलावा तीसरा था कि यहाँ पे हेल्थ मेरा लगा था, सिर्फ 4 दिन के लिए लगता, पहले वो 15 दिन के लिए लगता था, आयुष मंत्रालय करता था, इस बार उन्होंने हैबिटेट सेंटर में लगा रखा था। मैं करीब 4 बजे वहाँ पहुँचा, 6:30 बजे तक का प्रोग्राम था, और 4 बजे स्टाफ सारा रजिस्ट्रेशन वाला स्टाफ सारा सो रहा था। आप देखिए ना कितनी हैरान की बात है कि रजिस्ट्रेशन वाले स्टाफ हो रहे हैं। जब मैंने उसकी वीडियो डाली तो वहाँ फिर तहलका मच गया, फिर सारे उनको भगा दिया, अब लड़कियाँ वहाँ खड़ी कर दी, अगले दिन में गए तो लेडीज खड़ी थी सारी, और लड़कों को भगा दिया। तो चौथा इशू ये है कि चौथा इशू है, ताकि मैं CGHS का बेनिफिशियरी हूँ, तो मैं वहाँ जाता हूँ, अपने डिसेंट्री है, बोधी रोड में हॉस्पिटल है, मेरे को अच्छा लगता है, और वहाँ मैंने काम भी करा। पहले वहाँ धाके बंद होते थे, कूड़ा पड़ा रहता था, मोटरसाइकिल कहीं भी खड़ी थी, दीवारें टूटी पड़ी थी, सारा मैंने वहाँ काम करवा दिया। तो इस बात पे भी उनको तकलीफ है, क्योंकि मैं तो कोई रिश्वत खाता नहीं किसी से, तो उन्होंने आपस में सेटिंग की होगी, वो सोच रहे ये बार बार आता है, शायद हमें इससे पैसे मांगने आता है, हमने काम कराया। तो ये इनकी अपनी सोच होती है, क्योंकि जो गिल्टी कोई होती है वो बाहर निकलती ही निकलती है। तो उसके बाद क्या हुआ, दोबारा मैं 26 को गया, 29 को जैसे ही मैं कल गया तो मेरे पीछे उन्होंने 2 बॉक्सर टाइप बंदे लगा दिए। हाँ, अब उसने जो मेरे को कहा कि भाई ये लाइक के बिना रहा, तो मैंने वैन में जाके खड़ा होकर दूसरी जगह में गया, उसकी कंप्लेन करने डॉक्टर की, डॉक्टर खुद 9:45 आया है, ठीक है सर। तो वहाँ गया मैं कंप्लेन, उस दिन जो था क्या था कि वो जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड जो टेम्परेरी आदमी होता है, वो आदमी तो वहीं बांट रहा हूँ बैठ के, विंडो में बैठ के, मैंने आपको वीडियो भी उसका भेजा है। तो ये कौन था हॉस्पिटल कंपाउंड, वो जो सिक्योरिटी गार्ड वहीं बांटते हैं। अच्छा, हाँ आप देखो ना, और CMO बैठा हुआ कहना। तो CGHS के कोई हेल्थ के रूल होते हैं सर, परमानेंट स्टाफ, टेम्परेरी स्टाफ, सेंक्शन स्टाफ, वर्किंग स्टाफ का ये सिस्टम होता है गवर्नमेंट में। ऐसे नहीं होता कि कोई भी आके कहीं भी ले आके बैठ जाएगा, और ये आदमी का कोई रोल ही नहीं है, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसका कोई रोल नहीं होता है, वो तो एक कॉन्ट्रैक्टर का आदमी होता है, कभी कान पकड़े निकाल देते हैं, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
हॉस्पिटल के पति जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, किसी को गलत दवाई दे दे, कुछ दे दे, कौन जिम्मेदारी देगा बताएं, वो तो भाग जाएगा, हो गया तो आप वहाँ पे फिर क्या हुआ कि इनको पता नहीं क्या तकलीफ हुई मुझसे, इन्होंने कौन सा बुला रखा था, उसने मेरे को कहा यहाँ तुम आया, फिर मैं सीएमओ के कमरे चला गया, वहीं नेता लड़ने लग गया, पीटने लगा, तो वो बाउंसर था, वो तगड़ा आदमी था, मैं मेरे मौके मारने से उसको कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि बाहर आके फिर उसने मेरे को चैलेंज किया कि अभी तुम्हारा दिल नहीं भरा तो आ जाओ फिर करते हैं, और आपको मैंने स्कूटर की और साथी की वीडियो भी भेजी है, जो भी फोटो वोटो थी मेरे पास, तो ऐसा कि उसके बाद जब हमने 3 बजे थाने में कंप्लेंट की तो उन्होंने ये कहा कि ये तो सुबह का मैटर है, हमारे पास तो सुबह कंप्लेंट कॉल आया होगा ना, नहीं 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 नहीं, अरे सर आप अरे आप गवर्नमेंट के बारे में क्या जानते हैं, पुलिस थाने में पहले बता दिया जाता है कि हमारा आदमी डीके चोपड़ा को पीटेगा, तुम डीके चोपड़ा के बंद कर देना, हमारे आदमी को कुछ मत कहना, ये हमारा आदमी है, परमिशन दे के आते हैं गुंडे, आपको पता नहीं है ना, मैं आपको मुझे सब पता है, कल ही मैंने एक एसआई को सस्पेंड करवाया है, कल नहीं परसों इसी थाने का, उसने एक बीजेपी लीडर और एसआई के खिलाफ कंप्लेंट हुआ था, दोनों जो आम आदमी है उसका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, लेकिन जो पुलिस के एसआई थे उसका एफआईआर दर्ज कर लिया गया, उल्टा सारे लोग कॉलोनी के इकट्ठा हुए, सनलाइट कॉलोनी में इकट्ठा हुए, शोर मचाया, डीसीपी को आना पड़ा और एएसआई को सस्पेंड करके लाइन हाजिर कराया है, ये मोबाइल न्यूज 24 को चैनल को इसका सरे जाता है, बिल्कुल बिल्कुल जाता है, ये तो आप ये मत देखिए, आप चलिए चलिए, अगर आपको करवाया है ठीक है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट कन्फेडरेशन में रहा हूँ, रोज यही व्यवस्था की समस्याएं होती रहती है, रिश्वत जो है सरेआम हो रही है, खुलेआम हो रही है, विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है वो सोए हुए हैं, उनको उनका हिस्सा बचा दिया जाता है, अब जो देखिए देश आजाद हो चुका है और आजादी को दोबारा कायम करना हर नागरिक का कर्तव्य है, और मैं देखूंगा कि हर नागरिक, इन जितने भी सरकारी सौगाट सरकारी अफसर हैं, अगर उनका तनख्वाह से गुजारा नहीं आता उनको कान पकड़ के निकाल दिया जाएगा, अभी जैसे योगी जी कह रहे हैं कि सारे अफसरों को अब छुट्टी भेज देंगे जो भ्रष्ट हैं, और भेज दिया उनको छुट्टी दी, तो हम चाह रहे हैं पूरे देश में ऐसा हो और सारे भ्रष्ट लोगों को निकाल दिया जाए, यहाँ लोगों नौकरी के लिए तरस रहे हैं और जो परमानेंट लग जाते हैं वो पागल हो जाते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ वीर सिंह जी हैं जनता ब्रिगेड पार्टी के, और पूर्व सैनिक वीर सिंह जी हैं जिन्होंने सेना का बॉर्डर पर ड्यूटी किया है, देश की रक्षा किया है। वीर सिंह जी, जिस प्रकार से चोपड़ा साहब पर वहां पर हमला हुआ, इनका जख्मी भी दिख रहा है, आपको सूजा हुआ है, ये कहीं भी जायज नहीं है, इसको कोई ठीक नहीं ठहरा सकता कि कोई भी आदमी कुछ भी गलत किया या सही किया, लाइन में था नहीं था, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते, हाथ नहीं उठा सकते हैं, उसे अगर एतराज था इनसे बातचीत करते, जो कानूनी कार्रवाई होती वो कानूनी कार्रवाई करते, हाथ उठाया अगर किसी ने भी तो ये कानून को हाथ में लिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो जो भी बंदा है, आप क्या मानते हैं? जी, सबसे पहले तो नीरज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे विचार रखने के लिए यहाँ मुझे जी, और सेकेंडली मैं अपने डी के चोपड़ा साहब हैं जो कि राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हैं, मैं काफ़ी दिन से 5-6 साल से आपको जानता हूँ, आप निहाय क्रांतिकारी आदमी हैं, निहाय शरीफ आदमी हैं, हाँ कोई गलत काम होता है उसके खिलाफ ज़रूर बोलते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, मैं सलाम करता हूँ उनको, ये कहीं पर भी दिल्ली के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई गलत काम होता है उसके खिलाफ उनकी आवाज़ मैं सुनता रहता हूँ, और आज इसी कारण से एक आवाज़ आपने दी मुझे कि भाई साहब मेरे साथ ये ऐसी घटना घटी है, मैं बिल्कुल गुड़गांव से भाग करके आया हूँ अभी, और ये बहुत ही निहाय निंदनीय जो घटना है, आज जो विभिन्न प्रकार के जो सरकारी महकमे हैं दिल्ली के अंदर वहाँ पर वही भ्रष्टाचार है, वही सब गुंडागर्दी है, वही बदमाशी है, दवाइयाँ सब डुप्लीकेट है, कोई कंट्रोल ही नहीं है, मैं कहता हूँ कोई कंट्रोल नहीं है, और कोई इस प्रकार का समाज का एक जागरूक व्यक्ति डी के चोपड़ा साहब जैसा अगर जाकर के कोशिश करता है थोड़ा बहुत उसको कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, तो उनके साथ ऐसी गुंडागर्दी करते हैं, साहब देखिए ये कहाँ का न्याय है, और ये कहाँ तक मैं कहता हूँ कि एक आम व्यक्ति, एक आम जन मानुष हिंदुस्तानी कैसे सहन करेगा, मैं तो कहता हूँ आज प्यारे देशवासियों आप सभी को, हम सबको जागना पड़ेगा, जब तक हम नहीं जागेंगे आप लोगों की यही हालत रहेगी, देखिए इस एज में आँख देख रहे हैं साहब,
दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे जो इस देश के अंदर गुंडे बदमाशों के हाथ में देश की भागदौड़ है, वो जो ना आज इस देश को बर्बाद किए जा रहे हैं। आज मेरे गरीब भाई कहीं भी जाता है, मेरा पिछड़ा भाई कहीं जाता है, उसके कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी कुरीतियाँ हैं, यहाँ पर आप जाओ हॉस्पिटलों में जाके देखिए, दिल्ली का बड़े बड़े पूरे हिंदुस्तान में ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि दिल्ली मॉडल। आज दिल्ली मॉडल, आप दिल्ली में बैठे हैं, आप बताइए दिल्ली मॉडल क्या है। दिल्ली की हालात खराब है, बदतर हो रही है। मैं गुड़गांव से यहाँ पर आया, मेरे को कम से कम 2.5 घंटे लगे, जबकि मुश्किल से यहाँ पर 40-45 मिनट का रास्ता है। 2.5 घंटे का वक्त लग जाता है। जहाँ पर रोड थोड़ा सा खुला है वहाँ पर कैमरे लगा दिए माननीय केजरीवाल साहब ने, वहाँ पर ओवर स्पीड के कैमरे लगा दिए, वहाँ पर आप स्पीड से चल नहीं सकते। और जहाँ पर भाई आपने ठीक है 40 या 50 की स्पीड आपने एक लिमिट तय कर दी, तो आपको हमें हर जगह पर 40 की स्पीड दीजिए ना जी। हम उससे संतुष्ट हैं। आप लगाइए कैमरे, लगाइए, आप वहाँ पर भी हमें 40 की स्पीड दीजिए, जहाँ पर हमारी स्पीड 10 की हो जाती है। जहाँ पर हमें 10 मिनट लगनी चाहिए वहाँ पर 1.5 घंटा लगता है स्पीड का। आज हालत खराब है, आज दिल्ली रहने लायक नहीं रहे, दिल्ली को नरक बना दिया केजरीवाल जी ने। तो मैं तो यही कहूँगा कि साहब आज पूरे देश को जागने की जरूरत है। हम फौजी हैं, जनता ब्रिगेड पार्टी हम लोगों ने बनाई है, और हमें यकीन है देश का हर सच्चा नागरिक जो देश से प्यार करता है, इस माँ भारती से प्यार करता है, वो सैनिक से जरूर प्यार करता है। मैं इतना ही कहूँगा कि जब हम इस वर्दी को लेकर वर्दी को पहन के सीमाओं पर खड़े होते हैं, तब ये वर्दी अब आपके विश्वास पर खड़ी उतरती है। अगर हम राजनीति में आए हैं, उतरे हैं, आप हमारा विश्वास करिए, हम वही तो इंसान हैं, हम इंसान थोड़ी बदल जाते हैं। अरे वही है, वही जज्बात है, और वही हमारे ख्याल है, वही हमारी भावनाएं हैं। जिस प्रकार से सीमाओं पर हम लड़ते हैं अपने देश के लिए, उसी प्रकार से इस देश के अंदर अगर हम लोग भी भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर पाए, तो शायद इस देश में कोई उम्मीद ही नहीं है किसी से। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि आओ सब मिलकर के, जनता ब्रिगेड पार्टी आई है, आप हमारा साथ दीजिए। ऐसे ऐसे हमारे क्रांतिकारी भाई हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे बड़े हैं, और इनके साथ ये घटना घटी है। और मैं चाहूँगा कि आप जो भी भाई मेरी इस बात को सुन रहे हो, एक अपना कॉमेंट्स डाल करके अपना आक्रोश तो जरूर जताना इस वीडियो के ऊपर। मेरी विनती है सर, हमें कोई आपसे होनी चाहिए, लेकिन अपने अपने अगर ऐसे ऐसे बुजुर्ग आदमी जो आपके भ्रष्टाचार के लिए अपने देश के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर के और आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और यदि उसके लिए आप अपने घर में बैठकर एक छोटा सा कॉमेंट्स भी ना डालें, तो फिर मैं कहूँगा देश का दुर्भाग्य, इस देश को कोई बचा नहीं सकता। बिल्कुल, जिस प्रकार से चोपड़ा साहब के साथ मारपीट आई हुई है, वैसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, मैं देखिए वीर सिंह जी को और फौजियों को सबको आह्वान करता हूँ कि अब समय आ गया है, इससे पहले कि जबरदस्ती आर्मी को बुलाया जाए, जो हमारे सेवानिवृत्त फौजी हैं उनको अब दिल्ली और देश को सौंप देना चाहिए, ताकि देश में कानून व्यवस्था ठीक हो सके। इतनी बुरी दुर्दशा हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी कि देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले, तबेले के ऊपर रहने वाली वुमेन एंड चाइल्ड मंत्री बन जाते हैं। तो PhD करने के बाद तो आदमी सेक्रेटरी बनता है और दसवीं फेल हुआ मंत्री बन जाता है, तो क्या देश चलेगा, समझो इस बात को। तो कोई सिस्टम होता है, फिर पॉलिटिक्स वाले इंटरफियर क्यों करते हैं एडमिशन के मैटरों में। जब फैक्ट्री आपने बना दिया तो उसको करने दीजिए, आपकी जो भी समस्या फैक्ट्री से डिस्कसे, रूल रेगुलेशन की बात करिए, लॉ की बात करिए। आपने एक अंग्रेजों का कानून आज तक नहीं बदला, क्यों नहीं बदला, आप कौन है, देश किसका जादू है, 75 साल तक आप क्या कर रहे हो। हम सारे कानून बदल देंगे और देश का नया संविधान लिखा जाएगा, जिसमें कोई भी ब्रिटिश पाकिस्तानी मुसलमान और कोई कानून नहीं डाला जाएगा, पूरा नया होगा, भारतीयों के लिए होगा और भारतीयों के लिए ही होगा। जो अपने आप को देशभक्त करता है हमारा साथ दे, और हम देश में कानून व्यवस्था ऐसी कर देंगे कि कोई किसी को तंग नहीं करेगा, और करेगा तो उसकी इतनी पनिशमेंट होगी कि दोबारा उसके खानदान में ऐसी हरकतें नहीं करेगा। आप लोग मेरा साथ दीजिए, ये मैं पहली बार नहीं पीता हूँ, पिटता रहता हूँ, मुझे उससे कोई चिंता नहीं है। पर ऐसे लोग जो ये इनके पास कानून व्यवस्था को जो नहीं मानते हैं और पर्सनल जंगल राज बना रहे हैं, हम तो कह रहे हैं देश में जंगल राज है। जंगल राज का मतलब ये होता है कि पकड़ो चार आदमी, गुंडे मिलो और पीट दो। देखिए जिस प्रकार से आपने सुना कि क्योंकि ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लोग हैं इस देश में, और मैं तो कहता हूँ कि आप कई बार कहते हैं, मैंने आपके मुँह से सुना कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बेटा हूँ। दो शक नहीं है, मेरे घर आ चुके हैं वो आदमी, मेरे को किडनैप करना चाहता रहा क्योंकि मेरी माता जी नहीं छोड़ना चाहती थी। क्योंकि जिसके अंदर भाव होते हैं वो व्यक्ति ये बात बोलता है, क्रांतिकारी भाई ऐसी बात बोलता है। मैं सलाम करता हूँ साहब, आप डी के चोपड़ा साहब की भावनाओं को और आपकी हिम्मत को। मैं एक बात और कहूँगा, एक सवाल पूछता हूँ आपको, पूरे हिंदुस्तान में लोगों को ये इस बात का जो ना अंदेशा है कि दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस, मैं मैसेज छोड़ना चाहता हूँ आपके
माध्यम से। आप आपको पता है कि दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस किसके अंडर में है, दिल्ली केंद्र सरकार के अंडर में है या दिल्ली सरकार के अंडर? नहीं नहीं केंद्र के, केंद्र के सर, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ ट्रैफिक पुलिस। हाँ ट्रैफिक सारी पुलिस केंद्र सरकार। मुझे यूथ दोनों के फॉलो होते हैं, ट्रैफिक पुलिस जो है जाने दोनों सर दिल्ली सरकार के अंडर में। नहीं 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 जाने दोनों सर, कोई बात नहीं। नहीं नहीं आपको भी शायद इस चीज का, चलो कोई बात नहीं, हमें पता है सर, हम सेंट्रल गवर्नमेंट का मेंबर हैं, आप जाने दो इस बात को, किसी भी गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल हो या कोई बात नहीं, आप अपनी बात कहें, आगे बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ दिल्ली के अंदर ट्रैफिक पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस का मीनिंग होता है ट्रैफिक को मैनेजमेंट करना, ट्रैफिक को मैनेज करना। आज आप दिल्ली में देखिए ट्रैफिक पुलिस किसी भी रेड बत्ती पर, लाल बत्ती पर नहीं है, लाल बत्ती से 200-250 मीटर आगे छिप करके पेड़ की आग में खड़े हैं। अरे तुम चोर हो क्या? तुम चोर हो तो छिप के क्यों खड़े हो आप? क्योंकि दिल्ली के लोगों को लूटना है, दिल्ली के लोगों की पॉकेट को मार है, ये पॉकेट मार है, ये पॉकेट मार है। इसलिए एक हमारा आंदोलन चलेगा दिल्ली के अंदर। मैं कहता हूँ कि दिल्ली के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई अपना गाड़ी वाला हो चाहे अपना मोटरसाइकिल वाला हो, एक भयभीत होकर के जैसे ही 5-7 गुंडे आगे आके ऐसे रोकते हैं, ये हालात है दिल्ली के अंदर। आदमी खुल करके फ्रीडम होकर के अपनी गाड़ी नहीं चला सकता, अपनी गाड़ी कहीं मूवमेंट पर जा रहा है, किसी भी मंदिर पर जा रहा है, वहां तक पहुंच नहीं सकता। आप कम से कम 10 जगह आपको रोक लेंगे, इतने गुंडे खड़े हो गए हैं। जैसे पहले के वक्त में हमारी बहन बेटियों की शादियां होकर जाती थी और डोलियों में जब लेके जाते थे पैदल, तो रस्ते में जो डाकू मिलते थे, उसी प्रकार से डाकू हो गई है लोग, तो कहां का ये न्याय है? अरे आप पहले तो उसको इनवाइट करते हैं कि गलत काम करने के लिए, अगर एक भी पुलिस वाला चौक चौराहे पर लाल बत्ती खड़ा होगा तो ऐसे ही लाल बत्ती लोग तो एक भी बत्ती क्रॉस नहीं करेगा, कहीं ना कहीं आप जनता को सिर्फ लूटने का ही काम रहेगा, जबकि ये नहीं होना चाहिए। पुलिस का काम है, आपको तनख्वाह मिलती है, आप किस लिए लूट रहे हैं देश को, देश के मेरे भाइयों को, दिल्ली वासियों को? और जहां पर थोड़ी सी व्यवस्था स्पीड को मोमेंटम बनाने की वहां जगह आती है, वहां पर आपने ओवर स्पीड की कैमरे लगा दिए, ये पूरा का पूरा दिल्ली को लूटने का केजरीवाल साहब का काम था। इसलिए मैं कहता हूं चलिए प्यारे दिल्ली वासी जागिए, ये फौजी भाई है, अगर हमारी सरकार आई एक भी पुलिस वाला अगर ऐसे छिपके खड़ा हो जाएगा उसको एक दिन नौकरी नहीं करने देंगे साहब। हम फौजी हैं, हम देश को बदलने के लिए हैं, देश का हर सच्चा नागरिक, देश का हर नागरिक दिल खोल के चलेगा, खुले मालिक बन के चलेगा। आप मालिक हैं, आपके पैसे से इन पुलिस वालों को, इन नेताओं को, बड़े बड़े आईएसपी को, पीसीएस को, आपके जो टैक्स के पैसे से तनख्वाह मिलती है, ये आपके नौकर हैं, मालिक आप हैं, जागिए। और आज ये हालत हो गई है कि आम पब्लिक जो है वो बेचारी नौकर हो चुकी है और ये जो पब्लिक सर्वेंट है वो मालिक हो चुकी है। बहुत बढ़िया कहा वीर सिंह जी ने, और हम इसमें ऐड कर रहे हैं कि ये जो अब लाइटों पे कैमरे लग गए हैं, सिर्फ उन्हीं से दिल्ली को चलाया जाएगा, कोई ट्रैफिक वाला हम रोड पे खड़ा हुआ नहीं देखेंगे। अगर किसी के खिलाफ चलान है तो उसको घर भेजा जाएगा, उसको कोर्ट बुलाया जाएगा, उसको लीगल कार्रवाई की जाएगी। ये जो एकदम सडनली आ जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट होते हुए कहीं लोग फंस गए हैं, कहीं ट्रैफिक पुलिस वालों पर भी लोगों ने गाड़ी चला रखी है, कहीं ऐसे हादसे हुए हैं, तो इसको अवॉइड किया जाएगा। और ये आपको पता नहीं है, ये जो ब्लैक है, ये जो भ्रष्टाचार है, इसमें लाल बत्ती का भ्रष्टाचार है, किस बत्ती पे कुछ आदमी को ट्रैफिक पुलिस वाले को चार्ज दिया जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ कितने चलान रोज होते हैं। ये एक बिजनेस बन गया है, टारगेट दे दिया जाता है कि इस महीने में कम से कम 5,000 आपको चालान काटने, क्या करेंगे, वो मजबूर है। बिल्कुल, तो सिर्फ ऊपर से नेताओं का आदेश होता है कि आपको चालान काटना ही काटना है, ये नेता थोड़ी है। अरे साहब डकैत है, नेता नहीं है। हे मेरे प्यारे देशवासियों, जागने की जरूरत है। आप लोगों को लूटने के लिए ये गुंडे, वर्दी धारी गुंडे खड़े कर दिए हैं, जबकि पुलिस का काम होता था डिसिप्लिन को मेंटेन करना, लड़ाई झगड़े को मेंटेन करना, ट्रैफिक को मैनेजमेंट करना, ये काम होता था, लेकिन आज सिर्फ लूट तंत्र ही इनका काम रह गया। बिल्कुल, हमारे साथ अनुज कौशिक जी हैं, अनुज कौशिक जी से भी जान लेते हैं, व्यवस्था परिवर्तन संस्था से जुड़े हुए हैं। अनुज कौशिक जी, जिस प्रकार से अभी चोपड़ा साहब ने बताया, वीर सिंह जी साहब ने बताया कि एक तो ये सरकार कहती है कि हमने हेल्थ व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है, मोहल्ला क्लिनिक ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल हर जगह बना दिया है, और बुजुर्ग आदमी जब इलाज कराने जाते हैं इनके साथ मार पिटाई होती है। इनका कहना है कि जब दवाई लेने गए तो वहाँ दवाई बांटने के लिए जो होना चाहिए फार्मासिस्ट, उसके जगह सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था। तो ये सब जो हो रहा है, आप क्या मानते हैं इनके साथ जो हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई साहब, ऐसा है, ये अंग्रेज आए यहाँ पे 400-300 साल पहले, उन्होंने अपना सिस्टम बनाया,
उनका जो व्यवस्था कानून नियम और नीतियाँ योजनाएँ चल रही हैं वो देश को बर्बाद करने के लिए सन 47 के बाद तेज़ी से चली हैं। सन 47 के बाद जो है हिंदुस्तान ग्रिप में है विदेशी ताकतों के। हमारा राज खुद आज भी हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हैं। उन्हीं की व्यवस्था चल रही है, उन्हीं के कानून चल रहे हैं, उन्हीं का सिस्टम चल रहा है। निज़ाम का बदलाव, मेरा गुरु यही कहता है कि बदलाव करवाओ, निज़ाम का बदलाव, सिस्टम का बदलाव करवाओ। ये जो सिस्टम चल रहा है करप्शन का, उन्होंने स्पेशली डिज़ाइन किया है हमारे इंडिया के लिए। ऐसा डिज़ाइन किया है उन्होंने सिस्टम जो चारों तरफ करप्शन और गंदगी और बदमाशियाँ फैली हुई हैं। जब तक ये पूरा सिस्टम ही बदला नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है देश में। बदमाशियां चलती रहेंगी और इसे कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। कितनी ही सरकारें बना लो, सरकारें बदल लो बार बार, कोई फायदा नहीं है। जब तक आप व्यवस्था नहीं बदलोगे तब तक सुधरेगा ठीक, तब तक कुछ नहीं होगा। सरकारें बदलने से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था बदलवाओ, कोई फायदा नहीं। व्यवस्था बदलने के लिए चाहे भ्रष्टाचार देखिए हमारे चोपड़ा जी हो, चाहे जनता ब्रिगेड के हमारे वीर सिंह साहब हो, इन लोगों का जो मुहिम है, अगर ये लोग जो कह रहे हैं इनकी कथनी कथनी बराबर होती है तो वाकई में जिस प्रकार से वीर सिंह साहब सेना में रहे हैं और डिसिप्लिन मेंटेन किया है, किसी भी सैनिक क्षेत्र में आप चले जाइए, कहीं भी सेना के दफ्तर में चले जाइए, आपको वहाँ जो व्यवस्था मिलेगी, वहाँ जो साफ सफाई होगा, वो साफ सफाई देख के हर कोई अचंभित रह जाता है। क्यों? अगर वहाँ साफ सफाई हो सकता है तो दूसरे दफ्तर में क्यों नहीं हो सकता? एमसीडी कार्यालय में क्यों नहीं हो सकता? जल बोर्ड कार्यालय में क्यों नहीं हो सकता? बाल विकास कार्यालय में क्यों नहीं हो सकता? और जितने भी ऑफिसेज हैं, दूर संचार निगम है, टेलीफोन कार्यालय है, MTNL है, इन सारे कार्यालय में अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है जब सेना के कार्यालय में अच्छी व्यवस्था है? इसलिए जरूरी है कि सेना के जो रिटायर्ड लोग हैं उनको एक बार मौका दिया जाए। जी चोपड़ा साहब कुछ कहना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी व्यवस्था शुरू से ही जो नेहरू जी के टाइम में शुरू हुई है वो ब्रिटिश टाइप की थी, क्योंकि वो बेसिकली ब्रिटिश ही लगते थे बिहेवियर से, उनके कपड़े से साफ होके आते थे, उनका कहाँ से क्या आता था, उनकी शौक वही थे जो ब्रिटिशर्स के थे, तो उन्होंने इसलिए सत्ता नेहरू के हाथ में दी, नहीं तो वो सरदार पटेल को भी दे सकते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी दे सकते थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नियमों को 75 साल में जो देश में नहीं बदल पाए वो काहे का अपना देश हुआ? अगर अपने कानून लीडर नहीं तो अपना कैसे हो सकता है? बताएं आप, अपने लोगों के लिए कानून आपको आपको नहीं अगर ज्ञान नहीं है तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन में रह चुका हूँ और मैंने छठा पे कमीशन लागू कराया था। पहले जो था बैठों में 50 रुपए 100 रुपए के साथ मैंने परसेंटेज की बात की थी कि हर चीज हरेक नागरिक को परसेंटेज में सरकारी अफसर को मिले ताकि उनका इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट रहे, क्योंकि 10 साल बाद पे कमीशन आता था तो 10 साल बाद वो जो इंक्रीमेंट था शुरू हो जाता था। महंगाई इतनी बढ़ा रहे हैं नेता लोग, आपको कह रहे हैं हम 5 यूनियन की इकोनॉमी कर देंगे, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल हो गया, 30 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए बिक रहा है, क्या हो रहा है देश में? गैस कितने की आ रही है, कितने में बिक रही है, क्या हो रहा है सब? आप क्या लुटेरे हैं? कौन है कुछ समझाए तो देश देश कैसे चलता है, क्या व्यवस्था होती है, कौन कैसे करता है? आपका वर्ल्ड बैंक से लोन है, हर एक बैंकों से आपका 90% आपके देश में 2 लोन चल रहा है, आप हर एक क्या कहते हैं मेरे को तो समझ में नहीं आ रही। देश और समाज चलता है ईमानदारी से, कोई तो 4 लोगों ने जिन ईमानदार व्यवस्था करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भाई वीर सिंह पे मेरा पूरा विश्वास है, मेरा हर फौजी पे विश्वास है और आने वाले टाइम में मैं देखूंगा कि देश को फौजी रिटायर्ड फौजी ही सत्ता में आए और वो देश को चलाए। हमारा प्रधानमंत्री भी फौजी होना चाहिए, आर्मी आदमी होना ही नहीं चाहिए। ये OBC सीडू का फ्रेंडली राष्ट्रपति बन के बैठ जाते हैं, उनको आता कुछ होता नहीं है, बस वो जो कहा जाता है करते रहते हैं। टोटल 12.5 लाख हमारी सेना है, उस 12.5 लाख सेना ने एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पैदा कर दिया और 135-140 करोड़ जो देश की जनसंख्या उसमें से नेता एक भी गोल्ड मेडलिस्ट पैदा नहीं कर पाया। सो ये बड़े दुर्भाग्य की बात, आप सोच सकते हैं सेना के अंदर कितना जज्बात है,
सेना ने 12 लाख 12 लाख किसी एक ओलंपियन जो हमारे भाई जी जो थे अपने जैवलिन थ्रो के नीरज चोपड़ा तो देखिए तो सेना तो सेना है। आज दिल्ली में एमसीडी में हम लोग चुनाव की बहुत पिछले उस बार बात करी थी, कोई भी व्यक्ति अपना मकान बनाने बनाता बेचारा खून पसीने की कमाई से उसको बिना पैसे इन जो एमसीडी के जो निगम पार्षद है उनको बिना पैसे उनकी चढ़ावा चढ़ाए उसको मकान नहीं बना देते। मैं विश्वास दिलाता हूँ प्यारे दिल्ली वासियों, जिस दिन आप लोगों ने हम पर विश्वास कर लिया, कोई भी व्यक्ति अगर मकान बनाता है उसके पास कोई एमसीडी का कर्मचारी रहता है उसकी खैर नहीं है, ये हमारा वायदा है। हम नेताओं जैसे झूठे वादे नहीं करते, ये सैनिक के सैनिक का वायदा है और सैनिक वादे पर खरा उतरता है सब। एक 368 00 23 55 यदि दिल्ली में किसी के साथ में अन्याय हो रहा हो या कोई मकान बनाते जब कोई एमसीडी का कर्मचारी आपको परेशान करता हो, आप इस नंबर पर, मेरे नंबर है, आधी रात को फोन करिए, हमारी टीम आएगी और उसकी बैंड बजाने की जो दुमियों पकड़े, हम फौजी हैं, हम एक अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आए, हम किसी भी अत्याचार नहीं करेंगे, अगर उसने गलती की है तो उसको सजा मिलेगी, हाँ कोई हम बैंड बोलने किसी के बजाने वाले, हमारा ये है कि जो बेईमान है उसको नहीं छोड़ देगा, कोई बेईमान को नहीं छोड़ेंगे, बेईमान को पहुंचाएंगे सेल तक। मैं एक बात बोल रहा था, चोपड़ा साहब बोल रहे थे कि महंगाई बढ़ रही है और भ्रष्टाचार महंगाई सब जुड़े हुए आपस में, तो ये हिंदुस्तान में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, खेत जंगल हरे भरे पहाड़ साफ नदियां तेजी से खत्म हो रहे हैं, सीमेंट और तारकोल डाला जा रहा है उससे प्रोडक्शन खत्म हो रही है, रोटी पानी की किल्लत हो रही है, हर चीज महंगी हो रही है, इम्पोर्ट होके आ रहा है बहुत सारा खाना, इम्पोर्ट होके आ रहा है बाहर से, वो पैसे देते हो आप डॉलरों में तो बर्बाद होता है देश में, महंगाई और बढ़ती है, डॉलरों में पैसे दोगे देश का खुद प्रोडक्शन नहीं करोगे एग्रीकल्चरल तो देश बर्बाद हो जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी और भ्रष्टाचार भी साथ साथ बढ़ता जाएगा और बर्बादी होगी, और बर्बादी होगी, बिल्कुल और बर्बादी होगी। आज का जो हमारा मुद्दा था कि किसी भी दफ्तर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ अव्यवस्था फैला हुआ है, वहाँ ऑफिसर काम करने को तैयार नहीं है, जिस प्रकार से चोपड़ा जी 2-3 दफ्तर में गए, लीगल सेल में गए और हेल्थ डिपार्टमेंट में गए, वहाँ पे इन जैसे 70 साल के व्यक्ति के साथ हाथापाई की गई, मारपिटाई हुई जब इन्होंने आवाज उठाया उनके खिलाफ, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अगर नहीं होती है तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमारे वीर सिंह जी साहब जैसे पूर्व सैनिक के जो जवान हैं ये लोग डटे हुए हैं, चुनाव में निगम चुनाव में लड़ने के लिए तैयार हैं, ये लोग सामने आएंगे और ऐसे भ्रष्ट ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको या तो सस्पेंड किया जाना चाहिए या जो भी कानूनी कार्रवाई के तहत दोषी पाया जाता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चोपड़ा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीर सिंह जी आपका भी बहुत बहुत